जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इस वीडियो में हम 1857 रिवोल्ट के जो कॉजेस है वो डिस्कस करने वाले हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर हम रिवाइज करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर ना ही कोई पीपीटी है, ना ही कुछ है, यहाँ मैं हूँ, वहाँ आप हो और हमारे बीच में 1857 का रिवोल्ट है। अब कॉजेज जो है वो देखने के लिए हमें उसे दो सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो है लॉन्ग टर्म कॉजेस और दूसरा है शॉर्ट टर्म कॉजेस। अब देखिए, जब भी कोई बड़ी लड़ाई होती है तो वहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉजेस नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉजेस होते हैं, और जो बड़ा इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म कॉजेस का ही होता है। अब देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जब होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, तो वो जब रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो क्या उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म कारण होते हैं, शॉर्ट टर्म रीजंस होते हैं? नहीं, उसमें लॉन्ग टर्म रीजंस होते हैं। मतलब आपको कई सालों से या कई महीनों से ऐसा लगता है कि हमारी बन नहीं रही है, हमारे बीच में कुछ जम नहीं रहा है, और फिर कुछ शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी लड़ाई हो जाती है कि सीधी वो रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाती है। उसी तरीके से जब भी कोई बड़ा रिवोल्ट होता है तो उसके पीछे लॉन्ग टर्म रीजंस जो है उसका बड़ा भारी होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म रीजंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म रीजंस देखेंगे 1857 रिवोल्ट के, तो उसे भी हम तीन सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक कॉज, दूसरा है पॉलिटिकल कॉज, और तीसरा है सोशियो रिलीजियस कॉज। तो जब हम इकोनॉमिक कॉज देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो पेजेंट्स है उनकी समस्या हमारे सामने आती है। जो पेजेंट्स है, जो फार्मर्स है, उनका इतना शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा उन पर टैक्सेशन लगाए गए, ये टैक्स, वो टैक्स, खाना टैक्स, ये टैक्स, पीना टैक्स, टैक्स ही टैक्स लगाए गए। इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो हालत है वो ख़राब होती गई और उनमें गुस्सा जो है वो बढ़ता गया कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन थी। उसके बाद अनपॉपुलर जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उसके वजह से उनकी जो लैंड है वो भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो गुस्सा जो है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, वेजेस नहीं दिए जाते थे, फॉरन लॉन्स नहीं दिए जाते थे, जिससे कि ये जो आक्रोश है ये बढ़ता गया। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेस थे जिससे कि गुस्सा जो है लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल कॉजेस देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे पहले तो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पता होगा, मतलब कि अगर किसी को बच्चा नहीं होता है, बेटा नहीं होता है, तो उसका जो राजवंश है वो वही समाप्त हो जाएगा। मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड को वो किंगडम का राजा नहीं बना सकते थे। तो ये जो है, इस वजह से जो भी लोग हैं उनमें आक्रोश पैदा हो गया था। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस आपको पता होगा कि कोई राजा, उसके आजू बाजू में जो भी सैन्य रहते थे वो ब्रिटिशर्स खुद के भेज देते थे। मतलब राजा को जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स हैं उनकी रखवाली भी करनी होगी, उन्हें खाने के लिए भी देना होगा, उन्हें पैसे भी देने होंगे, और जो राजा है वो किसी और से कोई संधि भी नहीं कर सकता था, क्योंकि संधि करने के लिए हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपने रहना ज़रूरी है। लेकिन राजा के पास खुद के सोल्जर्स ही नहीं रहते थे, वो किसके रहते थे, वो ब्रिटिशर्स के रहते थे, इसलिए कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस राजा नहीं बना पाते थे। और उसी के साथ साथ जो कंपनी थी उसमें काफ़ी करप्शन होता था, और लोगों को एक कॉन्स्टेंटली लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है ये आउटसाइडर्स है, और जो सोल्जर्स में प्रमोशन होते थे उसमें जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मतलब उन्हें लोअर रैंक पर रखा जाता था। तो ये सारे पॉलिटिकल कॉजेस है जिससे जो आक्रोश है वो काफ़ी बढ़ गया था। उसके बाद रिलीजियस कॉजेस आते हैं, जहां पर जो ब्रिटिश मशीनरीज रहते थे वो ब्रिटिश का फ्लैग लेकर जो क्रिश्चियनिटी है वो प्रोपोगेट करते थे। उसके बाद सती जो एबोलिश कर दी थी, तो इससे भी लोगों में आक्रोश जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। अब भले ही ये सती अच्छी चीज़ ना हो, लेकिन उस वक्त तो काफ़ी सेक्रेट मानी जाती थी, इसीलिए वो जब हटाई गई तो जो लोग हैं उनमें आक्रोश पैदा हो गया। उसी के साथ साथ विडो री मैरिज, विमेन का एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी सोशो रिलीजियस कॉजेस थे जिसने जो लोगों में आक्रोश है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब वो रीज़न ही ढूंढ रहे थे कि अब कैसे इनके अगेंस्ट में हम रिवोल्ट करें, इनके अगेंस्ट में हम तूफान लेकर आए। देखिए, ये तो थे लॉन्ग टर्म कॉजेस। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म कॉजेस, मतलब जो एक चिंगारी है उसे अंगार में किस तरीके से बदला गया। तो शॉर्ट टर्म कॉजेस में दो कॉजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि एक ऐसी अफवाह फैल गई कि बोन डस्ट जो है वो मिक्स किया गया है आटे में। अब देखिए, जो हमारे सोल्जर्स है उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल थे। अब वहाँ पर जिस तरीके की अफवाह फैल गई तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, वहाँ पर पूरी तरीके से उनमें जो अंगार थी वो बाहर निकलने लगी। और दूसरा कॉज ये था कि जो रॉयल एनफील्ड थे उसका जो चमड़ा था वो बना था काऊ और सुअर के मांस से। अब देखिए, जो हिंदू है वो काऊ को सैक्रेड मानते हैं,
वो काऊ का मांस नहीं खाते हैं और जो मुस्लिम है वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं। इसीलिए दोनों में भी आक्रोश पैदा हो गया और ये चिंगारी जो है ये सैलाब में बदल गई। फिर शुरुआत होती है रिवोल्ट की मेरठ से 10 मई 1857 को। तो ये रिवोल्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है ये जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि एक डेमो लेक्चर है। अगर आपको ऐसा लेक्चर पसंद आता है कि हम वन टू वन इंटरेक्शन करके यहाँ पर रिवीजन करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरीके के मैं आपके सामने जो चीज़ें हैं वो लेकर आऊँगा, इतिहास से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और ऐसे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।